हेलो फ्रेंड्स मैं हुबरफान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वुमेन्स किचन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन चॉप्स की रेसिपी तो ये बहुत ही टेस्टी क्रंची अंदर से जूसी मटन चॉप्स बनाना बहुत ही आसान है इसे आप घर पर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मटन चॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टू के जी मटन चॉप्स लिए हैं और फिर इसके बाद इसको मैंने अच्छे से धो लिया था देखिए इनके पीसेस का साइज कुछ इस तरह का होता है बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं लेने हैं आपको नॉर्मल साइज के लेने हैं

छोटे चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं एक छोटे चम्मच आपको यहाँ पर डाल देना है लाल मिर्च पाउडर साथ ही में डालना है इसमें व्हाइट विनेगर क्योंकि यहाँ पर मैं रॉ पपाया का यूज नहीं कर रही हूं इसीलिए मैं टू टेबल स्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें नींबू का रस तो मैं एक पूरा नींबू का रस इसमें ऐड कर दूंगी इसमें बहुत ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया जाता है मैरिनेशन के टाइम पे आपको बस इतने ही मसालों को लगाकर रख देना है तो बहुत ही सिंपल और कॉमन मसालों के साथ हम लोग इसको तैयार करेंगे तो अब मैं ये सभी मसालों को पीसेस में अच्छे से कोट कर दे रही हूं ताकि ये सारी चीजें आपस में मिल जाए और इसमें अच्छे से लग जाए तो अब इनको हमें मैरिनेट करके कम से कम आपको 24 के लिए रखना है तभी ये अच्छे से सॉफ्ट होंगे क्योंकि हम लोग इसको बॉईल करके नहीं बना रहे हैं तो हमको ऐसे ही इसको टेंडर करना है और अब मैं इसको पहले चार से पांच घंटे के लिए बाहर ही ऐसे ढक के रख दूंगी उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और नेक्स्ट डे इसको निकालेंगे तो चलिए इसको रख देते हैं तो मुझे यहाँ पर ट्वेंटी फोर आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं अराउंड थर्टी आवर्स हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से जो मटन चॉप्स हैं ये मैरिनेट हो चुके हैं देखिए हल्का सा पानी भी इसने रिलीज किया है तो अब इसके बाद इन पीसेस को हमें फ्राई करने से पहले कुछ और मसालों के साथ इसको कोट करना है तो चलिए अब मैं इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेती हूँ फ्राई करने से पहले ताकि ये बहुत ही क्रंची और जूसी तैयार हों तो इसमें मैं डालूंगी बेसन बेसन में टू टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे टू टेबल स्पून चावल का पाउडर तो ये पिसे हुए चावल हैं इसको मिलाने से ये जो चॉप्स तैयार होंगे बहुत ही क्रंची तैयार होते हैं तो इसको आप जरूर ऐड करें और बेसन जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा साथ ही में आपको ऐड करना है एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं और मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक मतलब आधा चम्मच के करीब ऐड कर दिया है अब तो उसके बाद एक पिंच में यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ ये और टोटली ऑप्शनल है अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दे अब इन सारी चीजों को फिर से एक बार पीसेस में अच्छे से मिलाना है ताकि ये पूरी तरह से कोट कर ले पीस को और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मिल जाएंगे पूरी तरह से ये जो पीसेस हैं इन मसालों से कोट हो जाएंगे तो हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो फटाफट से मैं इसे मिला ले रही हूँ इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इन पीसेस ने थोड़ा बहुत जो पानी रिलीज किया था उसी से ही ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल गई हैं अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा ली है गैस पर एक कढ़ाई उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और जब ये देखिए कितने अच्छे से इसमें आपको दिख रही होगी स्टीम बाहर निकलते हुए जब ये निकलने लगे तब आपको पीसेस इसमें ट्रांसफर करने हैं और गैस की फ्लेम को अब आपको बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम में इसे पकाना है हाई फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो ये जो पीसेस है ये पूरी तरह से टेंडर नहीं होंगे इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर पकाएं तो जितने पीसेस एक बार में आ सकते थे मैंने उन्हें डाल दिया है और इसको अब मैं पंद्रह से बीस मिनट के लिए पकने दूंगी बीच बीच में मैं देखिए इसको टर्न करते हुए पकाती रहूंगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तो एक तरफ का थोड़ा सा हो गया था मतलब पक गया था तो मैंने दूसरी तरफ टर्न कर दिया है ताकि दूसरे साइड से भी पीस अच्छे से टेंडर हो और इसकी जो आउटर लेयर बने वो क्रंची बने तो इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना रहेगा मैं जब तक ये दोनों साइड से ये आउटर लेयर जो है पीसेस की ये अच्छे से क्रंची नहीं होती तब तक कि हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है क्योंकि इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये जो चॉप्स बन के तैयार होती हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं इसलिए आप इसको ट्राई ज़रूर करें तो मैं देखिए इसको पलट के दोनों तरफ से अच्छे से हर कॉर्नर को मैं ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि कहीं से कोई भी कॉर्नर कच्चा ना रह जाए और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए तो देखिए इसमें एक बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और ये पीस बहुत अच्छे से गोल्डन होके फ्राई हो चुका था तो अब इन पीसेस को हम लोग ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी जो और भी बचे हुए पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से डालते हुए पका लेना है बस आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करना है लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें तो अब देखिए एक बैच रेडी हो गया था इसी तरह से अब मैं और भी बैचेस जितने भी हमें तैयार करने हो हम लोग तैयार कर सकते हैं मैं उन्हें फिर फ्राई कर ले रही हूं अब मैं इनको गर्मा गर्म सर्व कर दूंगी तो ये जो पीसेस मैं ऑलरेडी फ्राई करके निकाल चुकी हूं उन्हें मैं सर्व करने के लिए कुछ चीजें उसमें और ऊपर से ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ पे कटी हुई प्याज है नींबू है और आप साथ में इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो मैं देखिए आपको इसको दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे से पीसेस टेंडर हो गए हैं और अंदर से कितने जूसी हैं तो इस टेस्टी से मटन चॉप को आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे थैंक यू फॉर वॉचिंग